सिंघाड़े बहुत आ रहे हैं आजकल मार्केट में, कच्चे सिंघाड़े हम खाते हैं, बॉईल करके भी खाते हैं, तो क्यों ना आज सिंघाड़े की चटपटी चाट बना ली जाए। तो इस चाट को बनाने के लिए मैंने लिया है पैन में बिल्कुल थोड़ा सा तिल का तेल, ये देखिए। तो इस तिल के तेल में ना हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी डाल देंगे राई, और इसमें डालेंगे हम ये छीले हुए सिंघाड़े कच्चे। इनको हम अच्छी तरह से ना भूनेंगे। गैस को हमने बिल्कुल धीमा कर दिया और इस पर हम 1-1.5 मिनट के लिए ना लिड लगा देते हैं, तो जो स्टीम में ना थोड़ा सा पक जाएगा सिंघाड़ा, खाने में बहुत ही अच्छा लगेगा। सिंघाड़े की ना अपनी एक अलग ही खुशबू होती है, बहुत ही है ना शानदार खुशबू आ रही है इनमें से। और अब हम इसमें ना मसाले डालेंगे, थोड़ी सी डालेंगे लाल मिर्ची, नमक स्वादानुसार, थोड़ा सा अचारी मसाला। अचारी मसाला मार्केट में मिलता है, पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप स्किप भी कर सकते हो। साथ ही हम डाल देंगे इसमें टमाटर और हरी मिर्ची और इनको अच्छी तरह से ना मिक्स करेंगे। ये जो टमाटर है ना ये भुनता भी रहेगा और हमारा मसाला जलेगा भी नहीं। थोड़ा सा ओरिगेनो डाल रहे हैं, टमाटर जो डाला है ना हमने, ये टमाटर मसालों को जलने नहीं देगा और अच्छी बाइंडिंग का काम करेगा। पूरे जो मसाले हैं ना हमारे सिंघाड़ों पर अच्छी तरह से लिपट जाएंगे। इसे सफ़ेद तिल डाल देते हैं, तिल देखने में भी सुंदर लगता है और सर्दी के मौसम में खाने में भी बहुत अच्छा लगता है। थोड़ी इटालियन हर्ब्स हैं वो भी डाल रही हूँ मैं, पिज़्ज़ा सीजनिंग भी डाल सकते हो। ये जो मसाले होते हैं ना सूखे, ये ना सबके अपनी टेस्ट पर होते हैं, किसी को कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, किसी को कोई चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, तो उसमें ज़्यादा सोचना नहीं होता। जिसको जो चीज़ ज़्यादा अच्छी लगे ना डाल देनी चाहिए। और जब हम कोई चीज़ दिल से बनाते हैं ना तो उसमें जायका तो अपने आप आ ही जाता है। थोड़ा सा चाट मसाले का तड़का भी डाल ही देते हैं। गैस को ना हम बंद कर रहे हैं और अब हम इस पर थोड़ा सा नींबू का रस डालेंगे। आपके पास नींबू का स्क्वीज़र भी नहीं है, बीज भी निकालने हैं, तो आपने इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से नींबू का रस डाल देना है। मैंने ना संजीव कपूर सर को देखा था एक बार इस तरह से नींबू डालते हुए, तो बस उसके बाद मैं भी फॉलो करने लगी। ये चाट हमारी बनके बिल्कुल तैयार है और इसकी गार्निशिंग कर देंगे हम थोड़े से हरे धनिए से। कुछ भी कहो, ये जो सिंघाड़े की चाट है ना बनी बहुत चटपटी है, तो आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बनाइएगा और अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। मेरा चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको मेरी रेसिपीज मिलती रहेगी, लेकिन उसके लिए बेल आइकन भी दबाना बहुत ज़रूरी है। फिर से मिलते हैं सुशीलाज किचन में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।